हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखो हमारे पास क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम क्या देके रखा है आपको। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। Find her speed of rowing in still water and the speed of the current। देखो क्या बोला है कि रितु अपनी बोट से डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगी, 2 आवर्स में। मैंने आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में जाना, मतलब यहां पर प्लस होगा। और अप स्ट्रीम मतलब पानी की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां पर क्या होगा, माइनस। तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर कितने टाइम में, 2 आवर्स में। और अप स्ट्रीम अपनी बोट से अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस दे के रखी है, हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, कि यदि पानी में फ्लो नहीं है तो उसकी बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट मतलब उस वाटर के फ्लो की स्पीड हमें फाइंड करनी है, या सिंपली हम कहें कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि वो पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें दो चीजें फाइंड करना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो फाइंड करना है उसी को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। आया समझ में? तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हम लेंगे x किलोमीटर पर आवर। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ रितु इज x किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? एंड स्पीड ऑफ द करंट, इट मींस फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ द करंट ये हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि जो पानी है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम वन बाय वन इन दोनों केसेस को क्या करेंगे, रीड करेंगे और यहां से दो इक्वेशंस क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इनको दो केसेस दे सकते हैं। फर्स्ट केस किसकी होगी हमारे पास, डाउन स्ट्रीम की। सेकेंड केस किसकी होगी, अप स्ट्रीम की। तो पहले मैं केस वन ले लेता हूं। केस वन क्या है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, मतलब दोनों स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। डिस्कस किया था हमने, बोट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो पहली कंडीशन किसकी है, केस वन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। तो मैं लिख लेते हैं डिस्टेंस 20 किलोमीटर। टाइम कितना है, 2 आवर्स। तो टाइम 2 आवर्स, अच्छे से समझना है आपको बेटा। ठीक है, तो केस वन इज फॉर डाउन स्ट्रीम,
कितना डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम में हमने, 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर्स में, ठीक है। अब क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्लास 9 का फॉर्मूला सभी को अच्छे से याद होगा, डिस्कस किया था हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, कर सकते हैं। देखो डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम लिख सकता हूं मैं, यहां पर हम लिखेंगे स्पीड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या बताया था मैंने, प्लस होगा यहां पर, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट? और अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड स्पीड की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो स्पीड क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 20 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 20 कैंसिल होगा, कितने टाइम 10 टाइम। तो देखो फर्स्ट केस से मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, क्या मिला हमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमने फर्स्ट केस को रीड किया, कंडीशन को अप्लाई किया और फर्स्ट इक्वेशन क्या कर ली हमने, प्रिपेयर कर ली, हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम सेकेंड कंडीशन को रीड करेंगे और सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ केस टू, केस टू किसके लिए होगी, फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम है, यहां पर लिख देंगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितनी डिस्टेंस, अप स्ट्रीम में हम कितना चले 4 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या होगी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, आया समझ में, और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो अप स्ट्रीम हमें 4 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा 2 आवर्स, क्लियर है, एनी डाउट, ठीक है। तो अब मैं आप स्ट्रीम में उस बोट की स्पीड लिख सकता हूं, जैसे डाउन स्ट्रीम में प्लस हुआ था तो आप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस, अपोजिशन आएगा, अपोज करेगा वाटर का जो फ्लो है वो बोट को, किया था हमने डिस्कस। तो अब हम लिखेंगे स्पीड स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, और क्या आएगा यहां पर, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने बोट की स्पीड लिख दी, अब मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, डिस्टेंस है हमारे पास 4 किलोमीटर, टाइम है हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है। तब हम लिखेंगे स्पीड, स्पीड इज एक्स माइनस वाई, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, तो 4 अपॉन टाइम, टाइम इज 2 आवर्स, कैंसिल होगा 2 से 4 कितने टाइम 2 टाइम, तो देखो क्या मिला हमें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन बन गई।
तो हमने सेकेंड कंडीशन को रीड किया और सेकेंड इक्वेशन क्या कर ली, फॉर्म कर ली। सेकेंड इक्वेशन क्या मिली मुझे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो इक्वेशन वन क्या थी मेरे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन। इक्वेशन टू क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। देखो मैं वाई को इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं। ठीक है, तो हम कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो y के कोफिशियंट्स सेम है, x के कोफिशियंट्स भी क्या है, सेम, लेकिन y के जो साइन है कोफिशियंट्स के वो अपोजिट है। तो इजीली हम y को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। तो हम किसे एलिमिनेट करेंगे, y को। ठीक है, और उसके लिए मुझे सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करेंगे, एड करेंगे। तो यहां पर प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स प्लस एक्स क्या मिलेगा, टू एक्स इज इक्वल टू टेन प्लस टू, क्या मिला मुझे, ट्वेल्व। ठीक है बेटा, एनी डाउट, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो टू मल्टीप्लीकेशन में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन में क्या आ जाएगा, टू, और ट्वेल्व टू से कितने टाइम कैंसिल होगा, सिक्स टाइम। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे, x क्या मिला हमें, सिक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, सिक्स। यदि x के इस वैल्यू को मैं इक्वेशन वन या इक्वेशन टू कहीं पर भी पुट कर दूं तो y मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर वन टू गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो नाउ नाउ पुट x इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन वन। कौन सी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन। यहां पर x की प्लेस पे क्या आएगा, सिक्स, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, सिक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन प्लस सिक्स, हम उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम माइनस सिक्स। तो क्या मिलेगा बताओ, टेन माइनस सिक्स, तो वाई इज इक्वल टू टेन से सिक्स माइनस होगा तो क्या बचेगा, फोर। तो बताओ बेटा मुझे वाई की वैल्यू क्या मिली, फोर। ठीक है, तो एक्स हमें मिला सिक्स, वाई क्या मिला, फोर। तो x इज इक्वल टू सिक्स एंड y इज इक्वल टू फोर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मुझे लास्ट में यहां पर आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो हमने x क्या लिया था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या मिला, सिक्स, और y क्या लिया था, स्पीड ऑफ द करंट, पानी के फ्लो की स्पीड, वाटर के फ्लो की स्पीड क्या मिली मुझे, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लास्ट में लिखेंगे, देयरफोर स्पीड ऑफ रोइंग
speed of rowing in still water is equal to 6 किलोमीटर पर आवर. एक्स लिया था हमने, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. और वाई क्या लिया था हमने, स्पीड ऑफ द करेंट, इसे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द करेंट कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ द करेंट क्या मिला हमें, 4 किलोमीटर पर आवर, कि जो पानी है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. और हमारी जो बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इस तरीके से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के प्रॉब्लम्स को आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक.